जय माता दी सभी भक्तों को। तो आज हम नवरात्रों के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ चुके हैं। तो अभी आपको यहाँ की भीड़ दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा में कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि RFID कार्ड और भी कई सारे बड़े परिवर्तन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किए गए हैं। तो चलिए आज आप सबको इस यात्रा में इसकी पूरी डिटेल्स देते हैं, साथ ही साथ माँ भगवती माता वैष्णो देवी की यात्रा भी करवाते हैं। तो आइए चलते हैं। ठीक, अभी हम बाणगंगा में पहुँच आए हैं। अभी आप देख रहे हैं बाणगंगा, हमने चेक पोस्ट को क्रॉस कर दिया है और यहाँ पर देखिए किस तरह के दृश्य हैं। भीड़ अच्छी खासी आगे और लाइन भी लगी हुई है, साथ में माँ बाणगंगा के करिए दर्शन यहाँ से। ये देखिए, तो भैया ये है RFID कार्ड, जो चेंजिंग है इसमें आप देख ही रहे हैं कि देखिए कार्ड में कलर ग्रेडिंग के साथ साथ और भी कुछ परिवर्तन है। और इसके साथ ही कार्ड इसीलिए परिवर्तन है क्योंकि कोई कई सारे यात्री हैं ओल्ड कार्ड लेकर आ जाते हैं, और अब ऐसा यहाँ पर ना हो इसीलिए कार्ड में कुछ परिवर्तन है। तो भाई अभी आप जो ये विजुअल्स देख रहे हैं ये ठीक आदिकुआरी के साथ में हैं, और अब देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा रास्ता भरा पड़ा है और यात्रा में एक बार फिर से भीड़ भरना शुरू हो गई है क्योंकि कल से फिर नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। आदिकुआरी में भाई हमने अभी ऑर्डर किया है और भोजनालय से छोले भटूरे। तो भाई हर रोज़ की तरह बैटरी कार के लिए लाइन लगी हुई है, 450 रुपये रेट है एक साइड का। तो भाई अगर आपके पास एडवांस में बैटरी कार की टिकट है तो कहीं ना कहीं आपको ये अपने नवरात्रों में आसानी से बैटरी कार मिल जाएगी, तो अगर नहीं है तो ऑफलाइन आपके बड़े बुरे हाल होने वाले हैं। तो भाई यात्रा हर दिन की तरह स्मूथली चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल। यात्रा में नवरात्रों के लिए फिलहाल बदलाव यह है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा RFID कार्ड से अब माता वैष्णो देवी की यात्रा को और सुगम किया गया है, और यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए RFID कार्ड जो प्रिंटेड है यानी कि इसका जो कलर है इसमें और बदलाव किया गया है, ताकि जो यात्री हैं वो अपने पुराने वाले कार्ड, कई सारे ऐसे होते हैं जो पुराने कार्ड भी ले लेते हैं घर, तो उनसे यात्रा ना करें, ठीक है। और इसी के साथ आप सबकी सुगम यात्रा बनाने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और भी कई सारी व्यवस्थाएं नई यहां पर ला रहा है, तो आइए इस वीडियो में आप सभी को वह व्यवस्थाओं से भी रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों यात्रा मार्ग पर नए प्रकार के जो बड़े बदलाव हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यात्रा मार्ग पर रॉक बोल्टिंग के साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे एडवांस काम किए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को आए दिन घटनाएं सुनाई देती हैं कि जैसे कि माता वैष्णो देवी में पहाड़ से पत्थर आने से कोई बड़ी घटना हो गई, अब वह सारी घटनाएं रोकने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पूरी तरह से यात्रा मार्ग पर काम कर रहा है। आपके सामने है जिस तरह से रॉक बोल्टिंग सिस्टम पर काम किया गया है, ये वही जगह है जो पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ और एक महिला की मौत हो गई। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी मार्ग पर पैदल मार्ग पर बैटरी मार्ग जो है उस पर रॉक बोल्टिंग सिस्टम के साथ पूरे के पूरे यात्रा मार्ग को तंदुरुस्त किया जा रहा है, ताकि जैसा कि आप सभी को पता होगा पिछले दिनों यहाँ पर एक हादसा हो गया था, लैंडस्लाइड हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर एक महिला की मौत भी हो गई थी। तो अब यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े बारिश में। हालांकि माता वैष्णो देवी की यात्रा तो चलती ही रहती है, पर और ज़्यादा सुगम और ज़्यादा आसान हो जाए यात्रा, इसके लिए श्राइन बोर्ड लगातार इन व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार रोपवे कटरा सांझी छत रोपवे पर काम भी कर रहा है, और जल्द ही यहां पर रोपवे भी बनकर आप सभी को तैयार मिलेगा। क्योंकि आप सभी को बता दें इसकी एंडिंग डेट लगभग 2026 तक रखी गई है, और इससे पहले एक साधन है कि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर पाते हैं, और दूसरा साधन यही रहता है कि आप घोड़े से कर पाते हैं। इसके बाद रोपवे बन जाने के बाद खराब मौसम हो या फिर किसी भी तरह की परिस्थितियां क्यों ना हो, आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर बहुत ही आराम से और बहुत ही सुगम तरीके से जा सकेंगे, क्योंकि माता वैष्णो देवी की चढ़ाई काफ़ी दुर्गम है। कटरा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर माँ वैष्णो देवी का भवन है, यहाँ पर माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियों स्वरूप दर्शन है। वह इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को बैटरी कार की सुविधा आदिकुआरी से लेकर भवन तक मिलती है, जो लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है। इससे पहले आदिकुआरी से बाणगंगा का रास्ता
घोड़े से या पिट्ठू पालकी से ही किया जाता है। यहाँ पर कुछ और ज़्यादा सुविधाएँ बढ़ाने के लिए श्राइन बोर्ड तत्पर है और जल्द ही ये बड़ी सुविधा आप सभी के लिए आ जाएगी। तो दोस्तों, यात्रा में टोटली अगर हम बात करें तो चेंजिंग लगभग ज़्यादा नहीं है, वही चेंजिंग है जो RFID कार्ड को लेकर मैंने आपको बताया, बिल्कुल नॉर्मल चेंजिंग है। और साथ में ये है कि देखिए, यात्रा मार्ग पर रोपवे को लेकर जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर एक्टिविटी कहीं ना कहीं हो रही है और वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जल्द से तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपकी यात्रा और आसान हो जाएगी। और इसके बाद ये आगे का व्यू देखिए, और इस साइड ये ठीक रास्ता कटरा की ओर ऑन द वे वैष्णो देवी भवन। चलिए आगे जाकर आपको और खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। भाई ये देखिए, आज हमें वैष्णो देवी मार्ग पर क्या दिखा है, ये देखिए जंगली बकरी कितने प्यारे तरीके से हमें देख रही है। देखो अभी तो भाई घास खा रही है। ये देखो भाई, तो अभी आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ये ठीक भवन से लगभग 800 मीटर दूरी पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहाड़ की ओर पूरी तरह से ट्रैप किया गया है, यानी कि पहाड़ को रॉक बोल्टिंग सिस्टम के साथ साथ पूरे एक जाले के साथ बांधा गया है, ताकि पहाड़ से अगर कोई भी पत्थर आता है वह यात्री को नुकसान न करे। इसीलिए यहाँ पर पूरे के पूरे पहाड़ को एक जाले से कवर किया गया है। इसी तरह से पूरे यात्रा मार्ग पर किया जा रहा है, पूरे यात्रा मार्ग को सुगम बनाने के लिए श्राइन बोर्ड लगातार कार्य कर रहा है। इसी के साथ साथ आप सभी को बताते चलें, स्लोप वॉल प्रोटेक्शन के साथ साथ और भी कई सारे बड़े कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में आप सभी की यात्रा और आसान हो जाएगी माता वैष्णो देवी तक पहुंचना। तो भाई ठीक, हम पार्वती भवन के पास पहुँच आए, ये देखिए, और भीड़ भाई उतनी नहीं है जितनी नवरात्रों में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कल यहाँ पर भीड़ चढ़ सकती है, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं और फिलहाल उससे पहले तैयारियाँ शुरू हैं यहाँ पर। तो ये देखो भाई, नवरात्रों की डेकोरेशन बहुत ही भाई, नवरात्रों को लेकर भवन सजना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से की जा रही है। तो पहले हम लॉकर करेंगे, उसके बाद आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाएंगे यहाँ पर डेकोरेशन का। यहाँ पर देख लीजिए, वाओ। तो भाई नवरात्रों की सजावट देखिए माता वैष्णो देवी से, और बहुत ही ज़बरदस्त सजावट की गई इस बार भी। कल से हो रहे नवरात्रे शुरू, माँ वैष्णो देवी जी की श्रद्धा नवरात्रे। यहाँ से रोपवे और सॉरी स्काई वॉक। तो दोस्तों, और सुविधाओं के बारे में आप सभी को बताता चलूं कि जैसे रोपवे सुविधा है यहाँ पर, और साथ में जैसे कि आप सभी को माता वैष्णो देवी भवन पर आरती का जो भी टेलीकास्ट मिलता है, या फिर यहाँ पर आपको आरती में जो बैठने के लिए जो भी होता है, वो सारा का सारा सामान्य तरीके से है। बाकी भवन पर अच्छे से नवरात्रों के लिए डेकोरेशन की गई है, और डेकोरेशन अभी आप देख रहे हैं कि अभी आधी सुधी हुई है, और अगले 9 दिनों तक ये पूरी तरह से हो भी जाएगी और भवन पूरी तरह से सज भी जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, हम लगभग 10 से 11 बजे के करीब यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे थे, तब इतनी भीड़ नहीं थी, तो अब भवन पर लगभग भीड़ लगना शुरू हो गई है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ जो लाइन है वो एक बार फिर से भवन पर बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको नवरात्रों में, अगर आप नवरात्रों में माता रानी जी के दर्शनों पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ श्राइन बोर्ड यहां पर सभी तीर्थयात्रियों को यही सूचित कर रहा है, जिन भी तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं वह उसी वक्त भैरव घाटी अगर दर्शन करना जाना है तो भैरव घाटी जाएं, अन्यथा आप यहां से डायरेक्टली कटरा शहर की ओर प्रस्थान करें। क्योंकि आप सभी को बताते चले, 31 दिसंबर भगदड़ के दिन के बाद यहाँ पर किसी भी तीर्थयात्री को रुकने की अनुमति नहीं है, बिना किसी के जिसकी जो टिकट्स हुई हैं उन्हीं को रुकने दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी अभी आप देख रहे हैं हम वापस जा रहे हैं, तो इस वक्त यात्रा मार्ग पर जो क्राउड है, जो भीड़ भाड़ है, वो एक्टिव दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं यात्रा मार्ग भरा पड़ा दिखाई दे रहा है। और ये जो सारा का सारा माहौल आप देख रहे हैं ये 2 से 3 बजे के करीब का है। दोस्तों, सुबह हम कटरा से लगभग 8:30 बजे के करीब निकले थे, तो हम भवन पर लगभग 12 से 12:30 बजे के करीब पहुँच गए थे, और बहुत ही आराम से गए थे। तो बड़ी अब आपको जो बातें हैं वो बताना चाहूँगा। देखिए, यात्रा अभी दोपहर के समय में बढ़ चुकी है, जैसा कि अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। और मैं सुबह गया था तो इतना ज़्यादा रश नहीं था,
तो अब क्या रहेगा कि कल से नवरात्रि शुरू होंगे, तो कहीं ना कहीं नवरात्रों में और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, और जिससे कि कहीं ना कहीं आपको दर्शनों में समय लग सकता है। हमें वैसे उतना दर्शनों में समय लगा नहीं, तो ये बात जो आप सभी के लिए थोड़ा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। तो दर्शनों में आपका अधिक समय इसलिए लग सकता है क्योंकि आगे नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं कल से, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको दर्शनों में जो है कि थोड़ा बहुत समय लग सकता है दर्शन करने में, 4 से 5 घंटे तक का। तो बाकी यही है कि हमारे आज बहुत ही आराम से दर्शन हो गए, तो बोलो जय माता दी। साथ में आप सभी को और भी कई सारी यात्राओं से जुड़े इसी चैनल द्वारा हम अपडेट्स देते रहते हैं।